तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई कुंडल रेड्डी ने आज बतारीख 25 जनवरी बरोज जुमेरात को दरगाह यूसुफैन नामपल्ली का दौरा किया और यहां पर चादर गुल का नजराना भी पेश किया। इस मौके पर इन्होंने अपने भाई व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बेहतर सेहत, खुशहाली और रियासत की तमाम आवाम की खैरख्वाही के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इस मौके पर कुंडल रेड्डी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के कई सारे खैरख्वाह और दरगाह का सारा स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर खिताब करते हुए कुंडल रेड्डी ने कहा कि इन्होंने मन्नत की थी कि अगर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हक में फैसला आएगा तो वो दरगाह हजरत यूसुफैन और जहांगीर पीर दरगाह की जियारत करेंगे। पेशेवर खसूस में मुकम्मल तफसीलात। इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दरगाह विजिट कर रहा हूँ, मेरे को इलेक्शंस पहले मेरा ये था मन्नत था कि मैं जंगीरपिल्ला दरगाह और नामपल्ली दरगाह आऊंगा बोल के, वो अभी मेरा पूरी हुई है। बहुत खुशी हुई है कि यू नो मन्नत पूरी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। నాకు ఎలక్షన్స్ ముందు మొక్కు ఉండే నాంపల్లి దర్గాలో ఆర్ జాంగీర్ పీర్లా దర్గాలో, మొన్న లాస్ట్ వీక్ జాంగీర్ పీర్లా దర్గా మొక్కు తీర్చుకున్నాను, ఇప్పుడు ఈరోజు నాంపల్లి దర్గా మొక్కు తీర్చుకున్నాను. దీంతో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దర్గాకు వచ్చేసి నాకు ఇంత గౌరవం ఇచ్చి నా మొక్కు తీర్చడానికి స్కోప్ ఇచ్చిన ఈ కమిటీకి చాలా ధన్యవాదాలు. आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई, सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इंपोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैट फिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन, अपोजिट पिस्ता हाउस।